अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक हैं। आज इफ्तार की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं सालन बना रही हूँ। आज आठवां रोज़ा है माशाल्लाह से, और कितनी जल्दी रोज़े निकल रहे हैं, बस यकीन नहीं आ रहा। आज आठवां रोज़ा भी हो गया, तो सालन तो वैसे हम लोग बनाते नहीं, तो आज मैं सालन बना रही हूँ। बच्चे जा रहे थे कि आज सालन बनाए, हम सालन और रोटी खाए जी आज इफ्तार में। और ये रोल फ्राई कर रही थी मैं रोल भी थोड़ी सी फ्रूट चाट बनाई है मैंने, और रोल फ्राई कर रही हूँ। बाकी कोफ्ते बना रही हूँ, उसकी इजी रेसिपी आप सबसे शेयर करूँगी। बहुत ही इजी है और जल्दी से झटपट तैयार हो जाएंगे इफ्तार के लिए। बहुत जल्दी इफ्तार में चाहे सहरी में आप जब भी खाना चाहें, लेकिन बहुत जल्दी तैयार होते हैं। उसकी रेसिपी मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। अभी रोल फ्राई हो रहे हैं। मैं और मेरा बेटा, हमें हस्बैंड खाते हैं, बाकी मेरे दो बेटे वो नहीं खाते। वो अपने लिए समोसे, पता नहीं ऊट पटांग, इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो वो पसंद है बाहर की। घर के इनको ये रोल अच्छे लगते हैं, तो ये मैं अपने लिए बस बेटे के लिए फ्राई कर रही हूँ। रोल फ्राई हो चुके हैं। ये चिकन के कोफ्ते हैं और तकरीबन 15 ये कोफ्ते हैं, और ये बिल्कुल फौरन जल्दी 15-20 मिनट में रेडी हो जाते हैं। और इसमें मैं दही और प्याज यूज़ करती हूँ, ब्राउन प्याज और दही। बस ये ब्राउन करूँगी मैं। जब हल्के ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं बाकी चीज़ें इसमें ऐड करूँगी। कोफ्ते फ्राई होने वाले हैं, थोड़े से और इनको मैं फ्राई करूँगी, कलर आ जाए थोड़ा सा। और ये दही है, तकरीबन 1.5 पाव मैंने दही ऐड कर ली हूँ, और इसमें मसाले, हल्दी, नमक, मिर्चें और धनिया पाउडर वो मैंने शामिल किया हद से ज़्यादा। और इसके अलावा ये ब्राउन प्याज ऐड कर रही हूँ मैं, और ये अदरक है, लहसुन है और हरी मिर्च है। और मैं आलू भी इसमें थोड़े ऐड करूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे शौक से आलू खाते हैं। आलू के बगैर तो हम लोग कोफ्ते भी अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि आलू ज़्यादा हमको, मेरे छोटे वाले बेटे के फेवरेट हैं आलू। ब्राउन हो चुके हैं कोफ्ते, मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। और अपने जो दही है और मसाले, ये सब ऐड करती जाऊँगी। और साथ में ब्राउन प्याज भी, और ये सारे अदरक लहसुन वगैरह। अब ये थोड़ा सा मैं इसे भूनूंगी, फिर उसके बाद इसमें मैं आलू इसमें शामिल करके और इसको तकरीबन आलू गलने तक रख दूंगी। चिकन के तो वैसे कोफ्ते आप सबको पता जल्दी रेडी हो जाते हैं। बस अब इसमें मैं आलू ऐड करूंगी, थोड़ा सा इसको भून लूँ, दही ज़रा ड्राई हो जाए किसी, फिर उसके बाद मैं आलू ऐड करती हूँ। दही और ये जो मैंने प्याज डाले थे वो भुन चुके हैं, अब मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। आलू डाल के फिर तेज़ आंच पे से मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए भूनूंगी, फिर पानी ऐड करूँगी जब तक आलू नहीं गल जाते। और इफ्तार में भी 15 मिनट रहे। व्यूअर्स, मैंने आलू डाल के इसको भून चुकी हूँ मैं, अब ऑयल ऊपर आ चुका है। अब मैं पानी ऐड करूँगी और तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दूँगी, यानी जब तक आलू नहीं गलते तब तक रखूँगी मैं। फाइनल लुक आपको बाद में दिखाती हूँ। व्यूअर्स, ये देखिएगा, मैंने आज सालन बनाया, तो इफ्तार की चीज़ें मैंने काफ़ी कम बनाए, फ्रूट चाट बनाया है और रोल वगैरह, और ये समोसे ये बाहर से लेकर आए हैं, बस यही आज मैंने रेडी किया है। और बाकी खाना खाएंगे आज, नान के साथ चाय खाएँ या पराठे के साथ। और कोफ्तों को फाइनल लुक में दिखाती हूँ, अभी मैंने दम उस पर आलू गलने के लिए रखे हुए हैं, उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको फाइनल लुक।
ये देखिएगा व्यूअर्स, ये है कोफ्तों का फाइनल लुक और बहुत ही टेस्टी बने हैं, मज़ेदार बने हैं, क्योंकि वो जल्दी बने, बहुत जल्दी बन गए थे, इफ्तार से पहले तकरीबन रेडी हो चुके थे। तो ये है इनका फाइनल लुक। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, मैं अपनी वीडियो का यहीं पे एंड कर रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।